अस्सलामुअलैकुम जी, एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद बोलकास्ट में। मैं फैसल कुरैशी और मेरे साथ साहिल अदीम साहब, और बड़े मज़े मज़े के सवाल और उनसे भी ज़्यादा ख़ूबसूरत जवाब साहिल साहब से मिलते हैं। और एक एक थ्रू आउट लर्निंग प्रोसेस, और आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों की तरफ से इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक अलग पर्सपेक्टिव है, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे हम डिस्कस कर रहे हैं। और एक आज भी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा एक आज भी बड़ी मज़े की बात है। और मैं अगर बात को लेकर आऊँ आपके सामने तो कुछ लोगों के इस पे बहुत सारे सवालात हैं, और सवालात कुछ ऐसे हैं कि दे आर गोइंग थ्रू विद लॉट ऑफ थिंग्स। हम बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं, हर शख्सियत, बिल्कुल हम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। कई दफ़ा खाने के लिए पैसे नहीं हैं, रात को खाना नहीं है, या सुबह नाश्ते के पैसे नहीं हैं, या हमारे घर में बीमारी आ गई, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं। बच्चा पैदा होते ही वो बहुत बीमार है। लेकिन उन सबके होते हुए जो एक चीज़ हमने पढ़ी वो ये कि अल्लाह का शुक्रगुजार रहना। इंसान का अपना शुक्र है। जी हाँ, आप जिस हालात से भी गुज़र रहे हैं, आप जिन चीज़ों से भी गुज़र रहे हैं, आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना। हम तो, आपको पता है ना, हम तो मतलब ही हो जाते हैं, बिल्कुल नमाज़ पढ़ते हैं, हमें लगता है कि सारा कुछ अब सही हो जाएगा, कि हमने हाजत की नमाज़ पढ़ ली है, लो जी अल्लाह जी उन सही करो, फ़ौरन फ़िक्स करें सारा कुछ, या हमने सदका दे दिया है, या हमने और सारा कुछ। सदका बेशक टालता है बहुत कुछ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, हमें इमीडिएट रिज़ल्ट चाहिए। हाँ, लेकिन हमें इमीडिएट रिज़ल्ट चाहिए कि मतलब मैं जिम में घुसाऊँ और अगले दिन निकलूँ तो मेरी बॉडी बनी हुई हो, बिल्कुल। तो ये वाला रिज़ल्ट चाहिए मुझे। नहीं, जिम में घुसने से भी उल्टी तरफ जाते हैं हम, कि मैं पैदाइश, वो पोलियो के मर्ज़ में बच्चा पैदा हुआ है, मैं वजीफ़ा करूँ और उसका मर्ज़ खुद ही ठीक हो जाए, हम भी चाह रहे हैं, बिल्कुल। ये उस, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद अल्लाह का शुक्र अदा करना, इस पे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। जी, कि मतलब अल्लाह ने हमें दिया कि दरवाज़ा भी ना इस सोच के थ्रू खुलते हैं। हाँ, नाउज़ुबिल्लाह, मैं ये बात कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम किस बात का शुक्रिया अदा करें, हम किस चीज़ का शुक्र अदा करें, उसने दिया क्या है हमें, या एक तो उसकी वजह से इधर आए हैं। हाँ, या जी हाँ, असल में ना मुसलमानों के पास है क्या, मुसलमान तो सबसे गरीब है। बात मुसलमानों के पास ऐसा क्या है, ये एक ऐसी मैं लाना चाह रहा था। यह बात अल्लाह ने आपसे जुमला खुद ही करवा दिया कि मुसलमानों, ये लफ्ज़ गौर से सुनिएगा, क्योंकि तौरात में वो आयत नहीं थी, ना ही इंजील में वो आयत है, कुरान में वो आयत आ गई है। मुसलमानों के पास ऐसा है जिससे ये सारा का सारा जो सेंटर में जो उकदा है ना गुंजल के, वो खुल गया। यहूदियों ने, अब छोड़ें तफसील में यहूदी क्या मानते हैं क्या नहीं, मगर वो उनको ये अगर थी तो उन्होंने तो उड़ा दी वो आयत अपनी तौरात में से। मुसलमानों के पास तो ये आयत है कि जो ये पूरी की पूरी कहानी है ना, ये असल में किस तरीके से देखनी है आपने, ये निज़ाम क्या है, कैसे शुरू हुआ और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया कि ख़ुद मेरे पास आए थे तुम लोग कि हमें इस रास्ते से गुजार। हमने हर जगह पे ये बात की थी, पहाड़ों ने ना कर दी थी, इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्दी वल जिबाल वल अर्दी समावात अर्द जिबाल, हर जगह दिखाया कि ये मामला है, तो इन सब ने कहा हमसे नहीं होगा, ठीक है। मगर क्या हुआ, अल्लाह ने क्या कहा कि इंसान आया फिर मेरे पास, और इंसान ने कहा वह हमल हल इंसान का, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़ाबैना इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़ाबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा व हमलहल इंसान, के समावात ने ना की, पहाड़ ने ना की, ज़मीन ने ना की, इंसान ने आया कहा नहीं मैं उठाऊँगा ये बोझ, मुझे दें, मेरे सर पे इतना बड़ा ऑनर है, इसके बाद मैं जाऊँगा इस कुर्रे अर्ज़ पे, वो मुसीबतें सुनामी झेलूँगा, वो डाउन सिंड्रोम पोलियो के बहन भाई पैदा होंगे मेरे, मैं आपका शुक्रगुजार बनूँगा, मैं उस सिराते मुस्तकीम का सबसे बड़ा टॉर्च बेरर बनूँगा, लोगों को लेके आऊँगा अशहदु अल्ला इलाहा के ऊपर, मैं लोगों को शहादतें देता फिरूँगा कि अल्लाह ताला की इबादत करो, ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें खुद बे राज अफशा किया हम पे, अगर पहले किया था नहीं किया था मगर हम पे तो कर दिया। और अल्लाह ताला ने आगे से क्या कहा इसी आयत में कि इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, कि बड़ा ही जालिम और बड़ा ही जाहिल है निकला ये इंसान, कि इसको पता ही नहीं था कि इसकी कैपेबिलिटी में नहीं है और आ गया यहाँ पर इतने ऊँचे ऊँचे नारे मार के कि हाँ मैं करके दिखाऊँगा और देखो क्या कर रहा है। अब इस रिट्रोस्पेक्ट के अंदर आप देखेंगे अल्लाह ताला ने जब ये निज़ाम में डालना था इंसान को तो साथ साथ अल्लाह ताला ने कहा मुझे तुम्हें तो पता है कि क्या मुसीबत सर पर ले रहे हो, मैं फिर भी आसानियाँ कर देता हूँ कि ये 5-7 चीज़ें कर लेना, ये ना छोड़ना, तुझे तेरी सिराते मुस्तकीम हिलेगी नहीं, तू पक्का रहेगा, ये डगर तुझे नहीं छोड़ेगी अगर तू इधर उधर स्लिप भी हो गया तो। ये वो फ़राइज़ हैं जो अल्लाह ताला ने हम पे नाम उस वक्त किए। ट्रू, क्योंकि मुसीबत हमने सर पे ली थी, अल्लाह ने आसानी के लिए। जिस तरह माँ बच्चे का बैग पैक में ना सारा कुछ पैक करती है ना, ये उस वक्त इस्लाम हमें प्रेजेंट हो रहा था कि ये मुसीबतनामा जो है ना, इसका इलाज एंटीडोट सिर्फ और सिर्फ यही है मुसीबतनामा ही। फिर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उस वक्त भी कह दिया, ये भी मैं नस मार दूँ उस वक्त, जो लोग कहते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को क्या कसूर है तुम्हारा, रब उनको मार देता है सुनामियों में, सैलाबों में। तो ये सुनिए, अभी सवाल पे सवाल इस तरह के आते हैं। तो मैं 2 ही चीज़ें पूछता हूँ इनसे कि आपके दादा या आपके नाना कातिल थे, मेरी नानी ने कुछ 200 कत्ल किए थे। हमारे किसी भी इंसान का कोई कसूर नहीं होता जो मर जाता है। एक बंदे का 90 साल उम्र हो गई, वो डिज़र्व नहीं करता कि वो मर जाए, उस बेचारे ने कुछ नहीं किया होता मगर मौत आती है। इसी तरीके से बच्चों को भी मौत आती है। मसला ये है कि हम चाहते हैं वो भी 90-90 साल तक रहें। वो बच्चे इस आयत के रिट्रोस्पेक्ट में बता रहे हैं कि वो उस वक्त तेज़ी दिखा गए। जब ये प्रेजेंटेशन अल्लाह ने प्रेजेंट की ना, तो उस वक्त उन्होंने कह दिया अल्लाह हमसे नहीं ये बोझ उठाया जाएगा, हमें सीधा जन्नत में जाना है। इसलिए वो नाबालिग होके उस छोटी उम्र में ही बग़ैर सवाल नामे के आते वो इसी टेस्ट में और बग़ैर किसी सवाल के पार हो जाते हैं। उधर मुँह चिढ़ा रहे होंगे हमें वो कि बहुत एफिशेंसी दिखा रहे थे फैसल कुरैशी, साहिल अदीम, हाँ हमें दर्जे चाहिए, इतनी उम्रें मांग ली तुमने, इतनी उम्रें मांग ली और तुम्हें पता नहीं था कि उस वक्त क्या हुआ। सूरह आराफ के अंदर अल्लाह ताला ने खुद बता दिया कि मैंने आदम और उसकी तमाम औलाद को इकट्ठा करके बता दिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं। सब ने कह दिया हाँ है। अब हम यहाँ पे आके एग्जैक्ट उल्टा चक्का चलाएं तो ये हमारी कहानी है। तो अल्लाह ताला ने इस पस मंज़र में कह रहे हैं कि इंसान बड़ा ही नाशुक्र है। इस पस मंज़र को जब समझ आएगी तो पता चलेगा खुद अपनी मर्ज़ी से बोझा डाला हमने, यहाँ आके हमने धोखेबाजी शुरू कर दी अल्लाह से, लिटरली अल्लाह ताला। लेकिन पता है वो शिकायत लोगों की रहती है। वही तो शिकायत तो तब रहे ना, देखें या तो कुरान पे ईमान रखें तब शुक्रगुजारी का मतलब समझ आएगा। बिल्कुल। और अल्लाह की कसम मरने के बाद तो बेईमान को भी नज़र आएगा, ठीक है, वो तो आएगा, अबू जहल को भी आएगा और मोमिनीन को भी आएगा, कुफार को भी आएगा। दुनिया में अगर आपने कहा ना मैं मुसलमान हूँ तो कुरान की सारी आयतों का मानना ज़रूरी है और वो आपकी आसानी में इसी में है कि आप ये वाली कहानी जो कि अल्लाह ताला ने ख़ुद बता दिया हमें कि भाई ये ऐसे स्टार्ट हुई थी, हम तो तुम्हें याशी करवा रहे थे, आ गए तुम कि हमें ऑनर चाहिए, चलो चलो ठीक है फिर लो ऑनर, तुम्हें बड़े ऑनर चाहिए। और वो ऑनर क्या है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि इतनी उम्रें देख ली मैंने और आपने कि जिसमें हमने वो मामलात देखे जिसमें पता था कि यहाँ पर सही क्या है, मगर जो भी जस्टिफिकेशन दी हमने ना करने की उसकी पकड़ा है। वो है असल में असली चक्कर जो चल रहा है, वो है ज़ुलूमन जहूला। वहाँ पे हमें पता है कि फैसल ने अपने ऊपर, साहिल ने अपने ऊपर जुल्म किया, जानते बूझते किए, कितने हज़ारों मौके आए, ठीक है, जहाँ पे हमने जहल दिखाया कि हमें पता था कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, मेरी बसात से ऊपर की चीज़ है मगर हमने एंट्री की। सो वो जो बच्चे हैं ना जो छोटे, वो इस टेस्ट से मुस्तना होकर या माँ के पेट में मर जाते हैं या बालिग होने से पहले फौत हो जाते हैं किसी भी बीमारी से, या वो लोग नबी इस्लाम की तमाम हदीसें आपको समझ आएंगी कि अंधे को क्यों बशारत है, पैदाइशी अंधे को, क्योंकि उस पर वो टेस्ट ही नहीं है तो उसको बशारत ही मिलनी थी, तेरे पर तो टेस्ट ही नहीं है, तू तो क्लियर होना ही होना। अपाहजों को क्यों बशारते हैं, क्योंकि उन्होंने उधर असली मौके पर दिमाग दिखा दिया था कि हमें ना या अल्लाह यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ, कितनी था 50 साल की तकलीफ, 60 साल, बस 50 लाख साल की तकलीफ़ें लेने वाले हम जैसे लोग, और वो 50 साल की तकलीफ़ें कौन तेज़ रह गया। ये है वो असली कहानी जिसकी वजह से हमें पता होना चाहिए कि मामला असल में क्या है और नकल में क्या है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं वो। जी हाँ, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा कि ये इल्यूजन को रियलिटी समझ बैठे हैं, दुनिया तो है ही इल्यूजन। हाँ, वो कहते हैं ना कि जिसको सज़ा के तौर पे ज़मीन पे भेजा था इंसान, वहाँ पे सुकून ढूंढते हैं। ये फलसफा भी मैं तोड़ दूँ, ये सज़ा के तौर पे नहीं आए हम इधर ऑनर के तौर पे ही आए। अच्छा, वो जो हमने दाना खाया था ऊपर, उसकी तौबा उदई कबूल हो गई थी। हमें तो दाना खाने से पहले पैदा होना था, पैदा होने से पहले अल्लाह ने बताया था मैंने तो उसको ज़मीन के लिए बनाया। जब अल्लाह ताला आदम को बना रहे थे, अभी जन्नत में नहीं डाला, भी दाना खाना तो दूर की बात है, उस वक्त अल्लाह ने कहा मैंने इनको खलीफातुल अर्द बनाया। तो ये जो है ना कि हमने वो दाना खाया, सज़ा मिली नीचे के लिए, ये इस्लाम में नहीं, ये क्रिश्चियनिटी की तरफ से एक फ्लेवर आया हुआ है। क्योंकि उधर थोड़ी सी एक कलमकारी की थी सेंट पॉल ने, एक्चुअली मैथ्यू ने, तो सेंट पॉल ने उसको ओन किया है और उन्होंने बस एक ओरिजिनल सिन कॉन्सेप्ट दिया ना। तौरात भी इससे आ रही है और कुरान भी इससे आ रही है। कुरान ने बताया दाना खाया, मगर कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उसी वक्त बताया है कि जब दाना खा लिया। ये पाँचों सूरतों को इकट्ठा करें, सूरह हिजर को ज़रूर। हाँ, लेकिन उसमें वो भी तो है कि हज़रत आदम और अम्मा हवा को दूर रखा गया था, और फिर कुरान तो इससे आ रही है दूर रखा। और कुरान में तो ये है कि जब दोनों ने दाना खा लिया तो अल्लाह ताला ने इनको फिर वो कलमात सिखाए। नहीं, ज़मीन पे आने के बाद नहीं, ये नहीं ना लिखा हुआ। अभी देखें पूरी पांच जगहों पे कहानी है कुरान में, पांच जगहों को इकट्ठा करें, कहानी अपना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूरा पकड़ती है इतना खूबसूरत तरीके से, और हदीसें उसी को सर्टिफाई करती हैं या सेंक्टिफाई भी करती हैं कि जब हज़रत आदम और हव्वा ने दाना खा लिया तो अल्लाह ताला ने फिर कलमात सिखाए उनको कि रब्बना ज़लमना अनफुसना। तो और पूरी आयत इन्होंने ये कलमात दोहराए तो अल्लाह ताला ने इनको माफ़ कर दिया। अल्लाह ने यतूबु अलैहि का क्यों सीगा इस्तेमाल किया, क्या तौबा कबूल हो गई है। अब उसके बाद अल्लाह ने कहा कौलाह भी तू, अब नीचे उतरो, अब तुम दोनों के कबीले, आदम और हवा का एक कबीला और शैतान, ये तुम दोनों के कबीले अब आपस में नहीं बनने वाली तुम्हारी। ये तुम्हें यही तो बताना था इस वाक़े के थ्रू। ये बात ज़्यादा ज़रूरी है माननी, इसलिए क्योंकि हम मुसलमानों को आयात पहले से ही बता रही हैं कि अल्लाह ताला ने आदम को बनाते वक्त कहा कि मैंने अर्द का खलीफा बनाया। तो जब पहले ही वो अर्द के खलीफा हैं तो सज़ा के तौर पे थोड़ी बना रहे हैं। अभी तो दाना खाए नहीं, मुफ्त की सज़ा, ये कौन सा इस्लाम है। अल्लाह ताला ने तो पहले ही बता दिया कि आपको मैंने उसकी खिलाफत देनी है। उसके बाद आदम भी तो कहते थे अल्लाह मैं तो तूने खिलाफत के लिए बनाया था, ये दाना खिलवा के सज़ा की क्या ज़रूरत थी, हम तो पहले ही खिलाफत में जा रहे थे। या फिर दाना की सज़ा में खिलाफत मिलती है, अर्द की खिलाफत, ये सारे के सारे मफरूदात जो है ना इस्लाम में नहीं। इसलिए इन पांचों सूरतों को इकट्ठा करना ज़रूरी है। ये अमूमी तौर पर मैंने सुना है ये, मगर इस्लाम की क्लासिकल स्कॉलरशिप भी और मॉडर्न स्कॉलरशिप भी इस बात से आ रही है कि नाउज़ बिल्ला हम सज़ा के तौर पे दुनिया में आए। हम दुनिया में खिलाफत के लिए ही बनाए गए थे, और ये क्रिश्चियनिटी की तरफ से एक शोरिश है जो कि उनके मज़हब में है ना, मानना पड़ेगा। वो तो मानते इस बात को, तो वो उन तक ही रखें। वी आर नॉट सिन लेस बट वी केम सिन फ्री, वी आर कैपेबल टू सिन बट वी डिड नॉट कम हियर बिकॉज ऑफ द सिन। कैपेबिलिटी पे तो ना जाएं तो अच्छा है, वो तो बहुत ऊपर की है। जहाँ बिल्कुल वो तो इतना ऊपर है कि जिसकी को हद ही नहीं होती। हम पिछले भी एक प्रोग्राम में यही बात कर रहे थे कि कोई भी हमारे इंसान के अलावा जितनी भी कौमें हैं, चाहे वो शयातीन हैं या और भी हैं, वो आपस में एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। हम ही पहुंचा रहे होते हैं एक दूसरे को नुकसान, और इतना नुकसान पहुंचा देते हैं कि उसकी कोई हद नहीं होती। और ये लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, तकलीफ़ भी होती है सुन के कि मतलब हमें ऐसा क्या दिया कि हम शुक्र अदा करें। मैं तो हम अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने मेरे ख़्याल से अगर आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है तो हर पल अपने रब का शुक्रगुज़ार रहना मेरे ख़्याल से बड़ा ज़रूरी है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब निकाल मेरे ख़्याल से अल्लाह से जो नेमतों का नहीं याद रखिएगा, वो तो ज़ाहिर है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। अगर आपको इस दुनिया की स्कीमा जो कि अल्लाह ने कुरान में इस तरह बताई है पता चले तो मुसीबतों पर ज़्यादा शुक्र करना ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि मुसीबतें वहाँ पे काम आनी है जो असली कहानी है। हाँ सर भाई, एक यही तो एक इंसान है ना, जब उसको ये एहसास होता है कि एक आदमी मुझसे अनकंडीशनल लव करता है, एक अनकंडीशनल लव होता है ना आपका, चाहे आपके पेरेंट्स से होता है या आपके आपकी बीवी या शोहर से होता है या बच्चों से होता है, अनकंडीशनल लव है, उसमें कोई कंडीशंस नहीं है, उसमें कोई मतलब नहीं है, बस वो एक प्यार है और वो रिस्पेक्ट है उस रिलेशन में। तो आप सोचें, मैं भी कभी कभी ये सोचता हूँ कि जब अल्लाह से आपका ये वाला रिलेशन हो जाए कि आप ये सोचने लगें कि यार मुझे बेशक जो करना है वो तेरी मर्ज़ी है, मैं मुझसे जो हो सकता है मैं तेरे लिए करूँगा। बेसिकली करता हूँ हम अपने लिए रहें। फैसल, खाली ये भी सोच भी लेना इंसान तो देखें, अल्लाह की हया इतनी है कि फिर ऐसे पकड़ेगा ना आपको आके, तो कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। हम वो वाली नीयत भी नहीं करें कि मैं अनकंडीशनल हूँ, हम इतने कंडीशनल हैं अल्लाह की तरफ कि हमें जब कुछ मिलेगा तो हम अल्लाह करेंगे। अल्लाह ताला ने ये खसलत बताई है इंसान की कि जब मुसीबतों में फंसती है इनकी कश्ती तो ये अल्लाह करते हैं, और जब मैं कश्ती निकाल के लेके आता हूँ तो ये कहते हैं कैपेबिलिटी तो हमारी है ना असल में। ये अल्लाह ताला ने कुरान में हमारी खसलत बताई कि अल्लाह को इस बात के ऊपर कितना जो है ना जो हमें सज़ा बनती है इस बात की, किबर है हमारे अंदर कि ये क्या कर रहे हो तुम, मुसीबत में मुझे याद करने की जवाज़ किया अगर तुम इतनी मुतकब्बर हो। हाँ, मगर हमें पता है हम लाचार हैं, ठीक है, उस वक्त बिज़नेस शुरू कर देते। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुसीबत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाफ़ माया के हशर के दिन लोग अपना सर ज़मीन पे पटक रहे होंगे, लोग हर इधर उधर हर कोई कि किस तरीके से अपने आप को नुकसान पहुँचाएँ। तो वो क्यों कर रहे होंगे? बिकॉज उनको उस वक्त पता चलेगा मुसीबत की वैल्यू क्या थी। दुनिया में जिस चीज़ पर मुसीबत आई होगी उधर इतना बड़ा रिटर्न उसका मिल रहा होगा कि तुम्हें वो वाली गेम मिली नहीं कि जो फिरौनों को मिल गई थी या ये सियासतदानों हुक्मरानों को मिल गई थी कि ये पेन फ्री चल रहे थे, पावरफुल चल रहे थे। लाचारों के वहाँ पे जन्नत और दोज़ख का ना डायलॉग हदीस में बड़ा क्लियर है कि जन्नत दोज़ख से पूछेगी कि क्या आया तेरे पास जो इतना इतरा रही है, तो उसने कहा मेरे पास हुक्मरान आए हैं, मेरे पास बादशाह आए हैं, मेरे पास शहजादे और शहजादियाँ आई हैं, मेरे पास उमरा आए हैं, तेरे पास क्या आया? तो जन्नत कहेगी मेरे पास तो गरीब आए हैं, खाली मेरे पास तो आम लोग बंदे हैं जिसकी कोई दुनिया में कोई वैल्यू नहीं थी। सो ये क्यों क्योंकि दुनिया में मुसीबतें करते रहे हैं। वो बैलेंस वहाँ पे इतना खूबसूरत क्रिएट हो रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाफ़ फरमाया कि एक मुसलमान को जब ये भी पता चलता है ना कि जूते में कोई चीज़ चुभी है उसकी, वहाँ पे जन्नत पे दरख्त बन रहा होता है, उसका उग रहा होता है कि एक एक चीज़ का रिटर्न असल में उधर है। अल्लाह। और नबी सल्लम ने एक और हदीस शाफ़ फरमाई कि जब अल्लाह ताला किसी से भलाई का फ़ैसला करते हैं इस दुनिया में तो सबसे पहले जन्नत में घर बनता है उसका, ठीक है, फिर उसके बाद कब्र में, उसके बाद अगर जारी रखता है अपना अमल तो जन्नत में सारी प्रेपरेशन हो रही होती है, और फिर भी जारी रखता है तो फिर कब्र मुनव्वर हो रही होती है, और फिर कुछ कतरे दुनिया में भी आ जाती है। ये है वैल्यू औकात दुनिया की। दूसरी ऊपर से हदीस क्या है जो रकम करती है इस पूरे मामले को कि जब अल्लाह ताला किसी से भलाई का फ़ैसला कर लें तो दुनिया उसको सख्त कर देती है, दुनिया में मुसीबतें आएंगी आएंगी, क्योंकि दुनिया को अल्लाह ताला ने सिर्फ धुतकारा हुआ है कि दिस इज़ अ टेस्टिंग ग्राउंड, अ पेन ग्राउंड ऑफ पेन। सो हज़रत उस्मान ने कहा ना कि जिसको एक साल तक मुसीबत ना आई ये समझ ले कि अल्लाह उससे सख्त नाराज़ है। तो फिलॉसफी इज़ वेरी क्लियर, कुरान से ये बात क्लैरिटी के साथ मिलती है। अब पता चलेगा शुक्रगुजारी है क्या। अल्लाह तो शुक्रगुजारी असल में मुसीबतों में ठहरने का नाम है कि यार अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम अल्लाह ने डायरेक्ट मेरे ऊपर नजर करम की हुई है कि मुझे आखिरत में मेरे महल बन रहे हैं जो दुनिया में मुसीबत। लोग ये समझते हैं शायद हमसे कोई ऐसी बिल्कुल हमसे कोई ऐसी खता हो रही है या कोई पता नहीं हमारे बड़ों ने कुछ इतना गलत किया है कि हम इस चीज़ से गुजर रहे हैं, तो फिर सो मैं अपने बड़ों की जो गुनाह है होता हूँ या उनको जो बड़ों के गुनाह हैं मैं उनकी वजह से ये सब कुछ भुगत रहा हूँ। ये भी मफरूज़ा तोड़ देना चाहिए। इस्लाम में सख्ती से मना, कोई किसी का बोझ नहीं उठाता। माँ के गुनाह बेटी के आगे आते हैं या पाकिस्तान में आते हैं, इस्लाम में नहीं आते, बाप के बेटों के आगे आते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह नजम में भी कह दिया कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। पाकिस्तान में तो नाउज़ बिल्लाह हज़रत हवा के ऊपर नाम लगाया जाता है कि उनकी वजह से लड़कियों को लेबर पेन होते हैं। ये पाकिस्तान की दो नंबरी चल रही है जो कि इस्लाम कहीं दूर पार की भी कोई लिटरेचर ऐसा नहीं है, ये लोकल किसी ने लिख दिया हुआ है और बाकी उन्हें छाप दिया, छापे जा रहे हैं। यहाँ तक कि मैं अब क्या तफसील में जाऊँ क्या क्या सुना। सो इस्लाम में ये नहीं है कि मैं कोई दो नंबरी करूँगा और मेरा बेटा भुगत रहेगा उसकी, ठीक है, ये तो वैसे ही कॉमन सेंस के ट्रेड के ख़िलाफ़ है। तो अल्लाह ताला इस नाइंसाफ़ी करेंगे। फ़ायदे अलबत्ता दे सकते हैं अल्लाह ताला, ये अल्लाह की हया है जो मेरे अमाल का फ़ायदा मेरे बच्चों को हो रहा होगा मगर मेरे अमाल का गुनाह नहीं हो रहा होगा। नुकसान वो उठाएँगे, ऑफकोर्स उठाएँगे, मगर गुनाह नहीं होगा। वो नुकसान उठाएंगे तो फ़ायदा भी उनको, क्योंकि दुनिया में मुसीबत आई है उनको फ़ायदा हो रहा होगा। सो दुनिया में जब किसी को मुसीबत में देखें ना, तो ये समझ लें कि अल्लाह शायद उस पर मुस्कुरा रहा है। लोगों को इस तरह मत दुदकारें कि देखो तुझे अल्लाह ने छीन ली। सूरह कहफ में पूरा मजमून अल्लाह ने बांधा है कि बड़े बागों वाले बंदे ने छोटे बाग वाले बंदे को ताना दे दिया था कि तेरे पे तो अल्लाह ही नाराज़ है कि तुझे दिया ही नहीं है कुछ उसने, और अल्लाह ने वो बड़े बाग छीन लिए उससे कि तू बताएगा अब कि कानून क्या है कि किसी का बाग छोटा है तो वह नौज़ुबिल्लाह अल्लाह के यहाँ छोटा हो गया या उसके काम कम हो गए। ऐसे नहीं होता। सो ये एक ऐसा दीन है हमारा जिसमें अल्लाह की ग्रेस है ना, वो सिखानी पड़ती है बच्चों को। अल्लाह हो तो वो जब तक वो रब नहीं समझ आया तो फिर इसी तरह की 2 नंबरियाँ समझ आ जाएंगी। चलें जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आई होप इज़ अ बिग आई ओपनर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन, 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश का पाँच। अब गेम वो होगा जिसे आपका नेम है जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें है। शोर गूंजेगा हर गली, नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।